जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। श्री अमिताभ बच्चन जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उनके परिवार और स्टाफ का भी कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, 11 जुलाई रात को 10:52 पर उन्होंने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है और लिखा है, आई हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि वो हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुके हैं। और साथ में अमिताभ बच्चन ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि उनको ये वायरस कैसे हुआ। अमिताभ बच्चन ने उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया है जो पिछले 10 दिनों से उनके आसपास थे, और सभी लोगों से कहा है कि वो भी अपना टेस्ट जल्दी से करवा लें। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने फेसबुक पोस्ट पर भी लिखकर दे चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन को कोरोना के बेहद कम लक्षण हैं। उन्होंने शुरुआती लक्षण नजर आते ही अपना कोरोना टेस्ट करा लिया था। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उनके और टेस्ट अभी हो रहे हैं। अमिताभ बच्चन के कोरोना वायरस की चपेट में आने की पुष्टि होने के बाद उनके परिवार के सभी लोगों का टेस्ट किया गया है, साथ ही उनके स्टाफ का भी टेस्ट किया गया है, और सभी लोगों ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में कर लिया है। परिवार के सभी मेंबर्स और स्टाफ की जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अगर बात करें उनके काम की, तो अमिताभ बच्चन बहुत जल्द रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही बिग बी आखिरी बार फिल्म गुलाबों सितारों में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनके साथ आयुष्मान खुराना लीड रोल में थे और इस फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। और मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने मशहूर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें एडिशन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनजर सीनियर सिटीजन्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार के काम करने के कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन सभी गाइडलाइंस में सीनियर सिटीजन्स को घर से बाहर निकलकर किसी भी तरह के काम करने की इजाजत नहीं है, और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन भी इन गाइडलाइंस के चलते अपने शो की शूटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बात का अभी तक नहीं पता चल पाया है कि उनको ये कोरोना कैसे हुआ, और इस बात को बताना बहुत मुश्किल है कि उनको ये कोरोना कैसे हुआ होगा। ये कह पाना कि ये वायरस उनको कैसे हुआ है, शायद उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। हम सभी लोग भगवान से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।